अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सिंथेटिक डिवीज़न। आज हम ये सीखेंगे कि सिंथेटिक डिवीज़न किस तरीके से मदद करती है हमें किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज़ करने में या रिमाइंडर और क्वोशन्ट निकालने में। तो सिंथेटिक डिवीज़न आपके पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि आपको मदद देता है कोई पॉलिनोमियल जो आपके पास गिवन हो उसको क्वोशन्ट और रिमाइंडर फाइंड करने में। तो क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं सिंथेटिक डिवीज़न के अंदर, वो आज हम देखने जा रहे हैं। तो मेरे पास एक प्रॉब्लम यहाँ लिखी हुई है जो कि एक क्यूबिक पॉलीनोमियल है जिसमें एक्स की मैक्सिमम पावर आपके पास 3 है और हम चाहते हैं कि इसको हम सिंथेटिक डिवीज़न से सॉल्व करें। तो क्या प्रोसेस हम स्टार्ट किस तरीके से हम इसको अप्रोच करेंगे? तो सबसे पहला काम जो है वो है फैक्टर ढूंढना। फैक्टर से क्या मुराद है? यानी एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसा आपके पास इंटीग्रल नंबर जो हम यहाँ पुट करें एक्स की पोजिशन में और हमें आंसर में क्या मिले? 0। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो वो नंबर आपके पास आप गैस भी कर सकते हैं, आप पुट करके भी चेक कर सकते हैं। अब वो अगर हम गैस करें तो जाहिर बात है हमारे पास रियल नंबर्स काफ़ी सारे हैं, हम सारों को गैस कर सकते हैं। कभी कभार स्टार्ट में मिल जाता है आपको सिंथेटिक डिवीज़न में से फैक्टर लाइक 2 + 1 - 2, लेकिन कभी कभार ये काफ़ी हेक्टिक भी हो जाता है कि आपके पास जो फैक्टर होता है वो कहीं दूर पड़ा होता है और उसको पुट करते में काफ़ी टाइम हमारे पास जो है ना वेस्ट होता है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जो आपके पास पॉलीनोमियल में लास्ट डिजिट लिखा हुआ है आप इसके फैक्टर्स निकाल लें। इसके फैक्टर्स आपको पता हैं, जैसे कि मैंने यहाँ कुछ मेंशन किए हुए हैं, +-1, +-2, +-4 जो कि 48 को डिवाइड करते हैं। इसी तरीके से बाकी भी होंगे, आप इनमें से पिक करें और यहाँ पुट करके देखें कि कौन कौन से इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो मैंने इनमें से एक पिक किया है +2, जो कि इसका नाम मैंने ए लिखा हुआ है, और मैं वो इस पर पुट करके देखना चाह रहा हूँ कि क्या इसका फैक्टर, क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। ये आपका स्टेप नंबर 1 होगा सिंथेटिक डिवीज़न में। अगर आपको फैक्टर मेंशन है तो फिर तो हमें यहीं से आगे स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको इस फैक्टर मेंशन ना हो तो वो आपको इस तरीके से बारी बारी करके निकालना पड़ा करेगा। क्योंकि क्यूबिक पॉलीनोमियल है तो एक बात तो कंफर्म है कि इसके आंसर आपके पास 3 रूट होंगे, यानी 3 रूट्स आपके पास आएंगे इस इक्वेशन के। तो हमने 2 पिक किया और इसका नाम हमने रखा हुआ है P(x) यानी पॉलीनोमियल इन एक्स सारी इक्वेशन का जो कि ऊपर मेंशन है। और अब मैं इसमें एक्स की जगह पे सिर्फ 2 पुट करने जा रहा हूँ। तो मैंने अगर इसमें एक्स की जगह पे 2 पुट किया तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे एक्स मेंशन है मैंने वहाँ वहाँ पे 2 पुट कर दिया है, और इसको सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर मिल रहा है मेरा 0। इसका मतलब 2 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है, तो 2 इसका फैक्टर है। आपको एक फैक्टर मिल जाए तो आपके लिए सिंथेटिक डिवीज़न में आसानी हो पैदा हो जाती है, क्योंकि आपको 2 मिल गया है तो हम इस क्यूबिक पॉलीनोमियल को फैक्टराइज कर सकेंगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के अंदर। तो क्या स्टेप है आपके पास? आपने दो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, और जहाँ पे आपके पास सिंथेटिक डिवीज़न में सारे कॉफिशेंट्स आएंगे आपके पॉलीनोमियल के, ठीक है। तो मेरे पास एक्स क्यूब का कॉफिशेंट 1 था, साथ कुछ नहीं लिखा हुआ यानी 1 है, तो मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है? 1। मेरे पास एक्स स्क्वेयर यहाँ मौजूद नहीं है, आप देख सकते हैं एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वेयर नहीं है, उसके बाद एक्स आ रहा है आपके पास। तो एक्स स्क्वेयर का ना मौजूद होने का मतलब है आप उसकी जगह पर क्या पुट करेंगे? 0। एक्स का कॉफिशेंट -28 है, -28, और एंड पे जो कांस्टेंट है वो आपके पास 48 है, तो +48 मैंने लिख दिया है। आपने वो सारे कॉफिशेंट्स यहाँ मेंशन कर देने हैं, ठीक है। और ये आपके लेफ्ट साइड पे वो फैक्टर आएगा जो कि आपने अभी फाइंड किया था ऊपर 2, वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। अब सिंथेटिक डिवीजन किस तरह हम स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले आपने जो आपके पास फर्स्ट कॉफिशेंट था यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ, आपने इसको एज इट इज़ उतार लेना है। ये हमेशा सिंथेटिक डिवीजन में इसी तरीके से उतार लिया जाएगा। अब आपने क्या करना है, सिर्फ इस फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई करते जाना है और यहाँ लिखते जाना है। तो 2 1 टाइम्स आपके पास 2 होगा, तो 2 + 0 2। इसी तरीके से अब 2 को 2 से करेंगे, 2 2 टाइम्स 4 होगा, और -28 + 4 करेंगे तो -24। इसी तरीके से 2 को -24 से करेंगे तो -48 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको? 0। 0 मिलने का मतलब है आपके पास कि ये इसका फैक्टर है इन शॉर्ट, जो हमने पहले भी चेक कर चुके हैं, यानी वो इसको डिवाइड करता है। और ये जो यहाँ पे चीज़ आपके पास आया करेगी इसको हम कहा करेंगे रिमाइंडर। यहाँ पे 0 आ रहा है तो इसका रिमाइंडर आपके पास क्या है? 0 है। अब हम आगे क्या करेंगे, जब भी आप सिंथेटिक डिवीज़न एक बार करेंगे तो उस पॉलीनोमियल की पावर रिड्यूस हो जाया करेगी। हमने सिंथेटिक डिवीज़न फर्स्ट टाइम किया है तो आपकी क्यूबिक पॉलीनोमियल किसमें कन्वर्ट हो गई है? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में, ठीक है। और वो ये बनेगी, एक इस तरीके से बनी है, जो कॉफिशेंट्स है 1 x², ये सेकेंड वाला कॉफिशेंट 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद आपके पास एक्स है, और एंड पे जो कांस्टेंट बचेगा वो -24 = 0।
इस ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है और इसको हम बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन ने हमें मदद दी है इस क्यूबिक पॉलीनोमियल को फैक्टराइज करने में भी, इसका रिमाइंडर फाइंड करने में भी। ठीक है, तो अब हम -24 को ब्रेक कर लेते हैं बाय मिड टर्म ब्रेक। हमने 6 × 6 = 4, 6 − 4 टाइम्स -24 होता है और +6 − 4 + 2 होता है, तो हमें दो फैक्टर्स मिले 6 और -4। तो हमने इनको लिख लिया +6x − 4x − 24, और इनमें कॉमन लेने के बाद हमारे पास दो रूट्स आ गए इसके यहाँ से, एक है -6 और एक है +4। तो तीन रूट्स आने थे, दो आपके पास ये रूट हैं, सॉरी, तो दो रूट्स आपके पास ये मौजूद हैं और एक रूट आपके पास ये है। इस रूट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं x = 2, यानी x − 2 = 0, और इसी तरीके से हम इन दो को भी लिख सकते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन ने आपको मदद की इनके रूट्स भी निकालने में और इनको फैक्टराइज भी करने में, और ये आपको रिमाइंडर के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा है कि सिंथेटिक डिवीजन किस तरीके से अप्लाई की जाती है और क्या क्या इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और भी वीडियोज़ के लिए। शुक्रिया।